दिल्ली इज अंडर सीज, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है हमारे किसान भाइयों ने। उन्होंने ये कहा है कि 5 एंट्री पॉइंट से वो दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। उनका आंदोलन संवैधानिक है, शांतिपूर्ण है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। कल गृह मंत्री अमित शाह ने आके कहा कि आप बुराड़ी आ जाइए, वहां पे आपसे वार्ता करी जाएगी, आप सेटल इन कर जाएंगे तो कर ली जाएगी, वरना 3 तारीख को करी जाएगी। हमारे किसान नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। आज जो किसान संगठन है उनकी बैठक हुई, उसके बाद जो निर्णय हुआ उसमें ये साफ हो गया है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले। जिस वक्त अमित शाह जी बहुत ही ज्यादा व्यस्त है तेलंगाना के निकाय चुनावों में, उस वक्त हमारे किसान सड़कों पे हैं, हमारे किसान 4 महीने का राशन लेकर दिल्ली कूच कर चुके हैं। और ये किसान जो है वो केवल पंजाब के नहीं है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी किसान जा चुके हैं और भी जा रहे हैं। केवल इतनी सी मांग है कि 3 काले कानून जो सरकार लेके आई है उनको वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। इसके अलावा प्रदूषण के बारे में जो अध्यादेश लेके आई है सरकार उसे भी वापस ले, क्योंकि पराली जलाने को लेकर इस अध्यादेश के से कई किसानों पर गाज गिर सकती है, कई किसानों को आप गिरफ्तार करेंगे, उन्हें सजा देंगे, जबकि ये उनकी गलती नहीं है। ये तो सरकार का काम है कि वो तरीके ढूंढे और किसानों की मदद करे कि उन्हें पराली ना जलाना पड़े, उन्हें अपने खेत को तैयार करना पड़ता है। इसके अलावा जिस तरह का जाम लगा हुआ है, हमारे किसान संगठन कह रहे हैं कि यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और सरकार हम तक आए, हमसे बात करे, अगर नहीं करेंगे तो हम और भी जगहों से दिल्ली के बॉर्डर्स को जाम कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन ने यह कहा है कि वे गाजीपुर और लोनी बॉर्डर को भी जाम कर देंगे। तो अब सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश भी अन्नदाता के साथ खड़ा है।